जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका PIB मीडिया में। ये जो आप पीछे हमारे पीछे सड़क देख रहे हैं, ये सड़क कई गांवों को मिलाती है और आप स्टार्टिंग से देखेंगे जो पॉइंट इसका स्टार्ट हुआ है और जो इसका लास्ट है वहां तक पूरा का प्रॉपर टूटा हुआ सड़क है और यहां पर सभी वाहनों को चलने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। आसपास के जो लोकल एरिया के लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस सड़क के द्वारा। अब साथ में इलेक्शन चलने वाले हैं और इलेक्शन चलेंगे तो जितने भी नेता लोग यहाँ से गुजरेंगे वो इस सड़क को देखेंगे और देखने पर भी बस केवल वादा करते हैं कि सड़क आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन बीतते हैं उसके बाद कोई भी इन सड़कों पर या रास्तों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। आप देख लीजिए, पूरा सड़क देखेगा और आप पीछे देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे सड़क में नज़र आ जाएंगे और ये एक ऐसा सड़क है कि आसपास के गांव, मतलब बहुत जो हाईवे है, हाईवे से अलग कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी लोग जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो उनकी असलियत है, जो उनकी असली सच्चाई है, वो उनके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, अब ये आप ही देख सकते हैं और आपका ही काम है न्याय दिलाने का। प्रॉपर सड़क टूटा हुआ है, गाँव कम से कम 25 से 30 गाँव इस सड़क पर आसपास में मौजूद हैं। आगे हम चलेंगे, गांव का भी जो लोग हैं उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे और देखते हैं कि उन लोगों का क्या मानना है। कौन सा गांव है ये? छजूपुरा गांव पड़ता है बीच में छजूपुरा। तो आसपास में कितने और गांव होंगे? इधर 20-25 गांव इस सड़क पर मौजूद होंगे, है ना? 20-25 गांव इस सड़क पर मौजूद हैं। गांव के कुछ लोग भी हैं हमारे साथ में जो बेचारे खेती करते हैं और मजदूर हैं या किसान हैं वो लोग, और आप यहां देख सकते हैं प्रॉपर गन्ना बेचारे छोल रहे हैं। अब क्या होता है, ये बुग्गी भी भरते हैं और मील पर डालते हैं गन्ना, है किसान मील पर गन्ना जाता है और इनको जब ये भर कर जाते हैं तो आसपास में सड़क छोटी होने के कारण दो जो आमने सामने से गाड़ियां निकलती हैं वो आपस में निकल नहीं पाती हैं, यही होता है ना? हाँ, यही। और बताइए, इस सड़क से आपको क्या क्या परेशानी है जो कि गड्ढे हैं? हाँ, गड्ढे सारी टूटी पड़ी है, बुग्गी ले जाने में काफी दिक्कत पड़ती है। तो मान लो बचाओ कहीं आ जाए तो बचाओ नहीं रोड पे पूरी सड़क खराब पड़ी है वहाँ से। मान लो और काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, मैं उधर से निकलते हुए सारी रोड टूटी पड़ी, बिल्कुल खत्म रोड। और हाईवे कितनी दूर है लगभग? हाईवे से पड़ता लगभग 2.5-3 किलोमीटर। 2.5-3 किलोमीटर हाईवे है। अब लगा लीजिए 2.5-3 किलोमीटर हाईवे है यहाँ से, और जो सड़क है गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं इस सड़क से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इस सड़क पर जितने भी गांव पड़ रहे हैं, कम से कम 20-25 गांव तो होंगे, 25 गांव के आसपास हैं। अभी आप देखेंगे पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा है, अब ये साइड में पीछे देखेंगे तो एक कार भी आ रही है। अब देखना इनको निकलने में कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। ट्रैक्टर तो खैर अपना दूसरे रास्ते को निकल चुका है, लेकिन एक इधर से आती है गाड़ी, दूसरी बराबर निकल नहीं पाएगी बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी। और बाकी आपका जो काम है, मतलब किसानी, खेती का काम है। तो अभी रेट क्या चल रहा है गन्ने का? गन्ने भैया मील के रेट तो 350 बता रहे हैं, अभी मिला तो 2 रुपये ना, मिला 2 रुपये नहीं। पिछला पेमेंट मिल गया? पिछला भी नहीं मिल पाया। देखिए क्या हालत है गांव के किसानों की। अब लगा लीजिए ये इनका काम केवल खेती का है, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो खेती के पैसे से ही काम चलता है और पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। अभी जो किसानों का धरना समाप्त हुआ है तो उस पर क्या विचार है आपके? सही है कि गलत हुआ, क्या है? धरना भैया मान्य बात हो रही है तो धरना खत्म करने में फायदा नुकसान थोड़ा ही है, नुकसान थोड़ी है, बिल्कुल सही बात है। देखो तो गवर्नमेंट ने ज्यादा तंग कर रखा हमारे मील ने, अब तक भी धरना देने के बाद भी पेमेंट नहीं दिया है। मील है, कौन सा मील है? बजाज बिलाई मील। ये बजाज कंपनी है ना? हाँ, हिंदुस्तान। अच्छा, बजाज ही है, बजाज हिंदुस्तान करके है ना कंपनी। अच्छा अच्छा, तो देख ही सकते हैं कि हमारे जो किसान हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि पेमेंट जो है बिल्कुल टाइम से नहीं मिल पाता है और खर्च भी इनका नहीं चल पाता है। तो दोस्तों आज का जो, अब ये देखिए पीछे बाइक है, अब ये देखिए कितने, किस तरीके से, ये देखिए भाई साहब पीछे रास्ते से आ रहे हैं जी। तो GT रोड बिल्कुल बढ़िया होगा रास्ता, बहुत टॉप है जी। इनसे भी आप मिल सकते हैं, रास्ता पूरा उधर से निकल के आ रहे हैं और जो रास्ता है बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है, जब भी आप निकलेंगे तो झटका लगने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। यही है ना? तो कितने के ज्यादा गड्ढे हैं ये बताइए जरा आप। गड्ढे तो एक सारे। अब ये कितने गाँव पड़ते हैं इस रोड पे? पड़ते होंगे 5 गाँव।
पांच गांव, पांच तो नहीं यहाँ आगे आगे तक, आगे तक, आगे तक, पीछे तक, कम से कम मैंने पीछे से मैं गिनते हुए आ रहा हूँ, कम से कम 20-25 गांव ऐसे हैं जो इसी रोड पे हैं और मेन उनका रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी हालत है अपने यूपी की, उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर सरकार ये कहती आती है कि सड़कें सबसे ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई हैं। और आप देख सकते हैं, हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सड़कें हैं और यहाँ पर चलने वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।